बक्सर जिला पदाधिकारी अमन समीर के द्वारा एमपी हाई स्कूल में अभियान विश्वामित्र अंतर्गत पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि इस पुस्तकालय के द्वारा सभी विद्यार्थी IIT UPSC जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इसके अलावा पंचायत स्तर पर भी नए पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। में कई गणमान्य व्यक्ति के साथ साथ जिले के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके लिए क्या प्लान है? प्लान हम लोगों का ये है कि अभी हम लोगों ने जिला स्तर पर किया है, आगे हम लोगों का है कि हर एक पंचायत में हम लोग एक पुस्तकालय चले। ये तभी संभव हो सकेगा जब यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो पुस्तक दान में पार्टिसिपेट करें। ऐसे लोग जो मकसद से सफल होकर कहीं हमें काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी उनका जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनका भी अगर सहयोग होगा तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बुक जो है रखा है। पुस्तकालय की जो स्थापना हुई है कितना हेल्प मिलेगा आप लोगों को? बहुत हेल्प मिलेगा उनके लिए भी जो इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए भी जो बाहर जाकर प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन अब यहाँ आ चुके हैं। और बाकी सारे शहरों में मोस्टली सारे शहरों में लाइब्रेरी होती है लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। एक लाइब्रेरी था लेकिन अच्छा, किस तरीके की पुस्तकें हैं, क्या आप लोगों को जो ज़रूरत है उसकी पुस्तकें यहाँ उपलब्ध? क्या नाम था आपका? अभी जो इलेक्ट्रॉनिक का युग हो चुका है, अब मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या उसे ही लाइब्रेरी पे इफेक्ट भी पड़ सकता है? कितना पढ़ा जा सकता है? कोई कंपटीशन नहीं है लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी पहले भी बंद था अभी भी। आपका नाम?